फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिण्या रियल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे एंड सैटरडे नाइट है आज। तो अभी 7 बजने वाले हैं, अभी 7 नहीं बजे। और मेरी मेहंदी देखिए, ये देखो, इस पर तो नहीं है क्योंकि इस पर तो मैं लगा लूँगी। एंड ये लेफ्ट हैंड है तो मैंने राइट हैंड पर लगवा ली है। मेरी मामा जी की बेटी आई थी तो उन्होंने मेरे लगा दी मेहंदी। देखिए कैसी लगी मेहंदी मेरी। और मेरी मामा जी की बेटी आई थी और उन्होंने लगा दी। और क्योंकि मेरे फिर लेफ्ट पर तो मैं लगा लूँगी बट राइट पर नहीं लगा पाती, तो राइट हैंड पर उन्होंने लगा दी एंड पैरों पर भी लगा दी है। तो मैं पैरों की दिखा देती हूँ आपको। फ्रेंड्स, पैरों की देखो सूख गई है काफ़ी हद तक, और मतलब सूख ही गई सारी। और अभी ऐसी रहने दूंगी और तेल लगा लूँगी इस पर, मस्टर्ड ऑयल लगा लूँगी इस पर और ठीक हो जाएगी। तब वाले हाथ पर मैं रात को लगा लूँगी। एंड कल है करवा चौथ तो कल विश कर दूंगी वैसे सभी फ्रेंड्स को हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। कल है और तैयारी तो हो ही रही होंगी सभी के यहाँ पर, सभी खुश होंगे एकदम, सब चीज़ तैयार करके रख दी होगी आप सब ने। एंड मैंने भी सब साड़ी वगैरह निकाल के प्रेस वगैरह करके सब चीज़ तैयार करके रख दी। एंड कल है हमारा दिन सजने संवरने का सभी का। और तो फिर मैं मतलब व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया बट कल तक जाएगा, नेक्स्ट डे तक पूरा करवा चौथ दिखाऊंगी आपको जैसे कि मैं बनाती हूँ। एंड फिर मैं मिलूंगी आपसे कल। गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है करवा चौथ की मॉर्निंग एंड हैप्पी। और देखो समर से मिल की आवाज़ आ रही है, समर चल रहा है ना, उसकी आवाज़ आ रही है। पानी भर रही हूँ टंकी। मॉर्निंग में उठ गई और मेहंदी का कलर देख लीजिए आप लोग। ये मैंने लगाई थी मेहंदी और मुझे ज़्यादा खास नहीं आती बट ऐसी लगाई थी मैंने, देख लेना। और ये यहाँ तक, और ये पीछे मैंने लगाई थी एंड मेरी सिस्टर ने लगाई थी, मामा जी की बेटी ने, मैंने बताया था आपको रात। और कलर देखो कितना प्यारा, और जो अब मैं काम करूँगी बाकी का और अच्छा कलर आ जाएगा। और मैं यहाँ लगा रही हूँ सिर में ना तेल लगा रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल है ये, सरसों का तेल, क्योंकि थोड़ा सिर विर धोंगी तो और अच्छे हो जाएंगे बाल मेरे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लगा लूँ फिर बाकी काम कर लूँगी। और अभी अर्ली मॉर्निंग है, अभी 7 बजे हैं और तो बस मैं अपना काम ही कर रही हूँ। पहले सबसे पहले तेल लगा लूँगी बालों पर और फिर उसको बन बना लूँगी, उसके बाद बाकी काम स्टार्ट करूँगी। और पूरा ब्लॉग जाने वाला है तो आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा और पूरा ब्लॉग देख कर जाना एंड पूरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। पूरा करवा चौथ ब्लॉग बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बताती हूँ आपको मैं क्या बना रही हूँ। फास्ट में बना रही हूँ ये थोड़े से फ्रेंच फ्राई बना रही हूँ बच्चों के लिए, एंड हस्बैंड के लिए मूली के परांठे बन गया ये गरम गरम। तो और दोपहर में देखूंगी पुलाव बना दूंगी चावल का, ये जो भी है, एंड दूध और जैम और ब्रेड, देखो जिसने अपना नाम लिख रखा है और अपने उस पर उसका ख़त्म हो गया परिण्या का, तो अपने डिब्बे पर नाम लिख रखा उसने। एंड ये बच्चों का नाश्ता और हस्बैंड का सबका तैयार हो गया। एंड हमारा तो अभी ये कि अभी सारा काम करना। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 11:30, 11:30 हो गए और काम मेरा सारा ख़त्म हो गया घर का। तो अभी मैंने ये कुर्ता डाल लिया है और क्योंकि फिर दोपहर को कहानी वगैरह पढ़ूंगी तब चेंज करूंगी मैं। और मेहंदी का कलर देखो कितना डार्क हो गया ना, और ये बनी हुई है रेनू मतलब मैंने खुद को ही बना दिया इस पर मेहंदी पर। और देखो कितना अच्छा डार्क कलर हो गया। और बाल वाल धो दिए, थोड़ी धूप से निकल रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा सूख जाए बाल फिर कॉम करूँगी मैं इन पर। और तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया सबका, बच्चों का, हस्बैंड का, और देखती हूँ उनके लिए फिर मैं क्या बनाती हूँ एंड फिर शाम की तैयारी करूँगी। तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ, और धूप निकल रही है उसकी वजह से आइज भी नहीं खुल पा रही। तो चलो, हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी आफ्टरनून हो गया है, टाइम करीब 1:30 बज रहा है, तो मैं बिछुए वगैरह डाल लेती हूँ, अभी टाइम है तैयार होने के लिए। तो और मैं सोच रही हूँ पहले मैं किचन का काम करूँगी ख़त्म, उसके बाद तैयार होने लगूँगी, क्योंकि मैं जो कहानी पढ़ती हूँ तो करीब 4:30 बजे पढ़ती हूँ मैं कहानी, तो तब तक मैं तैयार हो जाऊँगी। एंड अपनी जो भी चीज़ें हैं, आप गोल्ड पहनना चाहते हो जो भी हो आपके, वो चीज़ें पहन लो। एंड जब साड़ी पहनोगे तब ज्वेलरी वगैरह डाल लेना। तो मैं अब बिछुए पहनने वाली हूँ, तो बिछुए देख लो मेरे, ये हैं मेरे प्यारे प्यारे बिछुए, 4 बिछुए हैं ये, 2-2 उंगलियों में, तो मैं इनको पहनने वाली हूँ। और नेल पेंट भी लगा लिया मैंने, जस्ट अभी लगाया है, तो बस मैं इनको पहन ले।
हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज गया है और मैं अब तैयारी कर देती हूँ। देख सकते हो आप, मैंने पूरा ये लगा दिया है पूजा का स्थान। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है इसमें करवा चौथ पर। तो मैं वही बताती हूँ आपको सब चीजें कि मैंने क्या क्या चीजें रखी हैं। आप फ्रेंड्स अभी जैसे कहानी पढ़ते हैं, मैंने बताया था आपको 4 बजे पढ़ते हैं, तो उसके लिए अभी समय है। तो मैं आपको चीजें बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है फिलहाल अभी। तो अभी क्योंकि 4 बजे कहानी पढ़ूंगी तो तभी मैं तैयार होंगी, तो सभी चीजें मैंने लगा दी है यहाँ पर, तो वो चीजें बता देती हूँ मैं आपको। एंड ये देखिए थाली, चलनी यहाँ पर, और ये दीपक, और रोली के लिए एक छोटी सी इसमें रखी हुई है कटोरी, और एंड ये है एक अलग, इसमें मुझे अग्यारी करनी है। रात को जो अग्यारी करते हैं, जो हम लौंग के जोड़ा वगैरह चलाते हैं, तो रात के वक्त होगा इसमें अग्यारी। और ये धूप, तो यहाँ से सामग्री और ये सब सामान पूजा का, और ये सब चीजें रखी हैं, कपूर वगैरह, ये पूजा का सामान है सब। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप, एक ये वाला रखा है मैंने जल भरकर, और एक ये रखी है मैंने जल भरकर। एंड जल इसके अंदर भर दिया मैंने, दोनों भर के रख दिए, मैं 2 रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने आटा रखा है, अगर आपके पास गेहूं है तो गेहूं रख सकते हो, उसके ऊपर पैसे रखना है आपको। तो फ्रेंड्स इसलिए रखते हैं इसको कि अन्न की बरकत हो घर में, खूब खुशहाली रहे, तो इसलिए रखते हैं। आप गेहूं भी रख सकते हो। एंड मैंने आटा रखा है, पैसे रखे। अब ये 2 चीज मैं क्यों रखती हूँ, जैसे कि अब मैं कहानी पढ़ूंगी, हाँ, तो 4 बजे कहानी पढ़ने के बाद इसको मैं ढाल दूंगी। और ये वाला है लोटा, ये मैं रात को जब चंदा मामा निकल आएंगे और अपने हस्बैंड का फेस देखकर और चंदा मामा का फेस देखकर सबको, फिर जब मुझे ढालना है ये वाला मिट्टी वाला, इसको मैं अभी 4 बजे कहानी पढ़ने के बाद। एंड ये खाली नहीं रखना है आपको, मैं अभी, मेरे हस्बैंड फूल लेने गए हैं तो मैं फूल वगैरह रख दूंगी इसमें जब भी कहानी पढ़ूंगी एंड जब भी करूंगी सब चीजें। तो मैं आपको बस ये चीजें बता दी, ये चुनरी थी मेरे पास तो मैंने इनको उड़ा दी है। और ये देखो स्थान हमारा ये है, तो मैं आज यहाँ ही पूजा करूंगी बैठकर। और ऊपर देखो, ऊपर है हमारा मंदिर। तो मैंने सोचा आपको सब चीजें बता दूं, मैंने सब चीजें रख दी हैं, बट मैं भी तैयार होंगी। फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं अब किचन का काम करूंगी खत्म, एंड थोड़ा बहुत कर लूंगी और बाद में तैयार होने के बाद कर लूंगी जो भी कर। मैंने अभी काम कर दिया है कुछ, जैसे कि आटा लगा कर रख दिया, सब्जी काट कर रख दी। एंड तो अब 4 बजने में भी काफी समय है और 2:45 हो गए हैं, तो अब मैं जाती हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगेगा तैयार होने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं कर लूंगी बाकी काम, आटा वगैरह लगा कर रख दिया, अब ज्यादा काम नहीं है मेरे को, तो तैयार होकर भी कर सकती हूँ मैं किचन का काम, ये है। तो फिर मैं चलती हूँ रूम में। फ्रेंड्स मैंने साड़ी तो पहन ली और सीधे पल्ले में पहनी है मैंने ये साड़ी आज, और मैं अब मेकअप कर लेती हूँ और टाइम भी हो रहा है, वैसे 3:15 हो गए और साड़ी में ही मैंने सीधे पल्ले की पहली बार पहनी है ना साड़ी, इसे समय लगा, तो मैं मेकअप कर लेती हूँ। तो ये पिन देख सकते हो, ये मेरी मम्मी लाई थी पिन मेरे लिए, तो मैंने आज लगाई है ये, मैं मेकअप कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मेकअप हो गया एंड मैं लगा लेती हूँ, आलता बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको, महावर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तैयार हो गई, चूड़ियाँ वगैरह सब डाल ली, अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। मतलब पहले तो मैं कहानी पढ़ लेती हूँ एंड उसके लिए चलती हूँ। तो साड़ी वगैरह सब तैयार, जूड़ा वगैरह सब बन गया मेरा, अब मैं चलती हूँ। मैंने समय पहले, सबसे पहले थोड़े थोड़े फूल डाल लेती हूँ, और मतलब जल के अंदर, पानी बोल रही है सॉरी, जल के अंदर थोड़े थोड़े फूल डाल लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि खाली जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े फूल डाल देती हूँ। एंड अब मैं अपनी कहानी की, जो भी जैसे कि शादी की चुनरी होती है सभी के पास, तो मेरी शादी की चुनरी तो ये है, आप देख सकते हो 2012 में मेरी शादी हुई थी, तो उस टाइम यही चलती थी। तो कहानी पढ़ते वक्त हमेशा जो चुनरी अभी शादी की जो लहंगे के साथ आती है ना चुनरी, मतलब जो अलग से फेरे के टाइम पे ओढ़ते हैं सॉरी, तो वो आपको डाल लेनी है, तो मैं इसे सिर पर डाल लेती हूँ। तो मेरे देखो दुल्हन बन गई मैं, और तो मैंने साड़ी की, मतलब शादी की डाल ली, अब मैं इसी को ओढ़कर कहानी पढ़ूंगी। तो कहानी पढ़ते वक्त सबसे पहले आपको क्या करना है,
धूप बत्ती ले लेनी है, धूप बत्ती जला लेनी है। एंड जो मेरे लोटे हैं ये जल के, तो इन पर मैं सतिये काट लेती हूँ हल्दी से। सबसे पहले शुभ होता है इनको, और इनके मौली बांध देती हूँ, मौली कलावा बोलते हैं, तो वही मैं बांध देती हूँ दोनों को। सतिये काट दिए मैंने और कलावा बांध देती हूँ, और मैं फिर धूप बत्ती जला। अर्पण कर देती हूँ, और जो कहानी पढ़ने के बाद करते हैं, और एक मैं रात को करूंगी। मैं चलती हूँ। तो मैं तुरंत कहानी पढ़ने के बाद लग गई किचन में, और मैं ऐसे ही कर लूंगी काम, क्योंकि मैंने जो सब्जी वगैरह थी पहले कर ली थी, आपको बताया था, और आटा वटा पहले लगा लिया था। तो अब क्या करना है, मुझे अठावरी निकालनी है पूजा के लिए, एंड यहाँ आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ मैं, और पूरी सब्जी और रायता वगैरह यही चीज़ बनेंगी, और रायता मैंने बना लिया। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ मैं, तो इसलिए फिर मैंने बता दिया। तो मैं यहाँ अठावरी निकाल लेती हूँ और सारा प्रसाद बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। अभी थोड़ा सा समय है जो रात की पूजा होती है, और बच्चों के लिए खाना लगा दिया मैंने, और जो पूजा का सामान है वो अलग रखा है, और ये घर के लिए खाना बनाया है। तो परिणिया की थाली एंड ओजस की थाली, आलू गोभी की सब्जी एंड पूड़ी रायता, तो बच्चे खा रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स 6:45 का टाइम है, अब मैं पूजा कर लेती हूँ। शाम की जो पूजा होती है हमारी, जो बायना वगैरह निकालते हैं हम, एंड बायना ये निकला हुआ रखा, एंड ये सब पूड़ी वगैरह सब मिठाई मैं इससे ही पूजती हूँ। और 11:00 अब मैं शुरू करती हूँ पूजा अपने हस्बैंड के साथ बैठकर, एंड जब चंद्रमा निकलेगा तब मैं अर्घ दे दूंगी, और अब मैं बस पूजा कर लेती हूँ। तो मैं आपको सब चीज़ दिखा। चंद्रमा तो अभी दिखाई नहीं दिए, बट ओले और बारिश आंधी तूफान इतने आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा ओले पट पट पट, बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है, आंधी तूफान आ रहे हैं, बारिश इतनी तेज है, ओले पड़ रहे हैं, और देखती हूँ अब कब फिर करती हूँ मैं।